अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी चिकन कोफ्ते। ये देखिए, कोफ्ते के लिए मैंने ये मसाले पीसे हैं। सेंग है एक कटोरी। ये कटोरी से मैंने एक कटोरी सेंग लिया था फली, और एक कटोरी खोपरा, तो 2 स्पून खसखस। ये तीन चीज़ को मैं फ्राई पैन पर भून के पीस ली, उसका पेस्ट बना ली हूँ। और इसमें बिरिस्ता तली हुई प्याज भी डाली मैंने, पेस्ट बना लेंगे। अभी इसे हम निकालेंगे। ये कोफ्ते की ग्रेवी है हमारी। ग्रेवी के लिए मैंने ये पेस्ट बनाया था। फिर अभी ले रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ये बैटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी का, कोफ्ते की ग्रेवी का मसाला रेडी है। हैदराबाद में कोरमा बोलते हैं, ये रेडी है कोरमे का मसाला। अभी हम रेडी करेंगे, अभी हम करेंगे रेडी चिकन के कोफ्ते। और मैंने एक खीमा ले लिया 1 किलो। इसे अच्छे से वॉश किया है मैंने। ये 1 कटोरी चने की दाल है, इसे मैंने आधा घंटा भिगाया था। 2 प्याज है कटे हुए। अभी हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये कटे हुए हमारे 6 लहसुन है, इसे बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। 2 कटी हरी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। हम गैस पे चढ़ा देंगे कुकर 4 सीटी के लिए। ये 4 सीटी के लिए हम लगा देंगे कुकर। अब हम रेडी करेंगे ग्रेवी कोरमा कोफ्ते का। कुकर गर्म हो चुका है हमारा, इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। कोफ्ते की ग्रेवी रेडी कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए वेजिटेबल ऑयल है। तेल गर्म हो चुका है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे 5 मिनट तक हम भुनेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं मसाला भून के। अभी हम डालेंगे धनिया और पुदीना, बारीक बारीक काट के डालेंगे। ये दही है 1 कटोरी, ये भी हम अच्छे से डाल के भून लेंगे। ये ग्रेवी रेडी है, अभी हम इसमें निकाल लेंगे। ये ग्रेवी रेडी है हमारी, हमने अभी सिम गैस पे रखा है। इसे सिम गैस से 5 मिनट अच्छे बंद कर लेंगे। ये रेडी हो चुकी है हमारी ग्रेवी, अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारे कुकर ने 4 सीटी दे दी है। इसे अच्छा हम भून लेंगे, एकदम सूखा ड्राई होना चाहिए हमारा चिकन मसाला, ड्राई होना चाहिए कोफ्ते का। ये देखिए ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, अभी हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए कोफ्ते का बैटर रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे पीस लेंगे मिक्सर में। ये पीस चुकी हूँ मैं कोफ्ते का बैटर, अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे पैन में। हम पैन गैस पे चढ़ा चुके हैं, गरम हो गया, अभी हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे। ये ऑयल लगा मैंने हाथ पे, अब हम इसको कितने शेप में चाहिए कोफ्ते हम रेडी कर लेंगे हाथ पे, इस तरह से ऑयल लगा के।
डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल। डालिए हमें पैन में, हमें अच्छे से लाल करना है। जैसे लाल हो जाएंगे हम कोफ्ते निकालेंगे। ये देखिए कोफ्ते लाल हो चुके हैं, अभी हम इसे निकालेंगे। अभी हम सर्व कर लेंगे ग्रेवी। ये कोफ्ते की ग्रेवी रेडी है, अभी हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करना कि कैसे बनाए हैं कोफ्ते। अपनी दुआ में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।